आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर सारे देश का खास प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। जिले के 23 ग्रामों में पाटी माइक्रो उद्दहन सिंचाई योजना के तहत पाइप डालने का कार्य चल रहा है। योजना में पाटी विकास खंड के 14 ग्राम भी सम्मिलित है। राधे कंस्ट्रक्शन कंपनी राजकोट गुजरात द्वारा पाइप डालने का कार्य किया जा रहा है। विकासखंड पाटी के ग्राम बूदी में अंडरग्राउंड पाइपलाइन में लापरवाही पूर्ण कार्य होने से किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है, कई किसानों के खेतों में अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालने के लिए की गई खुदाई और जगह जगह लगे मिट्टी के ढेरों से खेतों में फसल बोना मुश्किल हो गया। साथ ही नीचे की गई खुदाई के दौरान खेतों में पत्थर के ढेर लग गए। पिछले 3 महीनों से काम अधूरा पड़ा है। बरसात का सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में खेत की तैयारी भी नहीं हो पा रही। किसानों को रोजी रोटी का संकट सता रहा है। राधे कंस्ट्रक्शन निर्माण एजेंसी के सुस्त रवैये से किसान खासे परेशान हो रहे हैं। किसान राजा ने बताया कि पाइपलाइन की जो खुदाई हुई है वो खुली छोड़ दी गई, नाली को वापस पैक नहीं किया गया, साथ ही खेत में पत्थरों के ढेर लगा दिए गए। पिछले 2 महीने से नाली पैक करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन सिर्फ आश्वासन देते हैं। बारिश का सीजन आ गया, खेत में फसल कैसे बोए, उनका कहना है गरीब किसान लोग हैं, थोड़ी थोड़ी जमीन में कृषि कर जीवन यापन करते हैं, लेकिन अब तो ये भी नसीब नहीं। उनकी मांग है खेत में की गई खुदाई को पैक किया जाए। बारिश के सीजन में भी योजना का काम कछुआ गति से चल रहा है। 120 करोड़ लागत वाली इस योजना से पाटी तहसील के 14 गांवों की हजारों हेक्टेयर भूमि पर सिंचित सुविधा प्राप्त होगी, लेकिन वर्तमान में कार्य धीमी गति से लापरवाही पूर्वक चल रहा है। इस योजना से 16,680 किसानों के खेतों में 5,940 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। 2 साल में कार्य पूर्ण करना है, अभी भी 25% कार्य शेष है। राजा ये बुद्धि रहता हूँ, क्या ये सिंचाई योजना वाला पाइपलाइन? ये सर हो रही है, ये पाइपलाइन सब कुछ डाल रहे थे, खोन के पटक दिए, कोई जगह पाइप डाली कोई जगह डाली नहीं है, और पूरे खेत में 12 बजे दगड़े फतरे ऊपर आ गए, अभी पैक हो नहीं रहे वापस। हम रोक नहीं सके उनको, रोकना भी चार्ज रोक के भी क्या करेंगे, पाइपलाइन के लिए पानी के लिए सबकी सुविधा है, अब इन्होंने खोन खान के पटक गई है, सब खेत में नुकसान कर गए, जो तो 2 महीने पहले काटे उनके फसल बिगाड़ के चले गए, अभी पैक करने के लिए वो बोल रहे थे आ जाएंगे कल आएंगे, करते करते कोई आ नहीं रहे। अभी ये देख लो इधर पूरे का दगड़ा भदरा सब निकाल लिए, पैक भी कर देते अपन, कर सकते हैं अपन से कम। बारिश फिर आ गया, पानी ऊपर आने वाला है, इनका रास्ता देख रहे कब कब क्या करना है, नुकसान हो रहा है क्या? अभी सब गरीब लोग हैं, यहाँ पे कोई भरे तो ही नहीं, थोड़े थोड़े एक एक खेत है वो भी 12 बजे, उसमें अपन कहाँ करना। आप होने वाले कंपनी वाले सर, गुजरात की कंपनी, कोई कहीं नाम में हमारा मालूम थोड़ी है, सब अनपढ़ लोग रहते हैं यहाँ, तो इतने पढ़े लिखे रहते भी इनके भेसबाजी कर रहे हैं, मजा फिर क्या मांग करते हैं? जल्दी से जल्दी मांग, जो भी जल्दी है पैक कर दे, और क्या बाकी कहीं नहीं किया अपनों को। कैसा ना कौन से खेतों में जो पाइपलाइन डल रही है उससे क्या समस्या आ रही है आपको? वो तो समस्या दुई नाली है मेरे खेत में, भुगतान नहीं क्या नहीं कर रहा, पाइप डाल रही है, काम नहीं काम ऐसे ही जाए पाइप डाल रही है, वो भी नहीं भुगतान जब पैक नहीं कर रहे वापस। हाँ हाँ, तो क्या अभी फसल नहीं ले पाओगे? कहाँ से ले सो अभी फसल, पानी है जैसे फसल कहाँ से ले सो, अतरी में बॉडी से अतरी जागो रुकाई थी अभी पैक ये सामने खोद रायरा। कहाँ रहते हो? बूदी। क्या समस्या आ रही खेत में? समस्या ये ना भी निकाला कि नहीं, तो अभी सियावे फसल होती वो फसल भी खून दिया, और अभी ये पानी आ रहा तो अभी भी बुजने को बोला उसको दो तीन बार, तो ये बुजने नहीं आ रहा। क्या बोलता है? यो आज आऊँगे कल आऊँगे ऐसे करते 2 महीने ही। तो क्या इस बार की फसल नहीं ले पाओगे? फसल ले पाओ कैसे ले पाओगे? पूरी जमीन खराब हो रही। क्या भारी नुकसान कर दिया? भारी नुकसान है। अभी बोले वापस आएगा तो वापस नुकसान। कौन खोद रहा है? कौन है ये खोदने वाला? ये पाइपलाइन बता रहा उधर नरेंद्र दासी पाइप आए रहे बोल रहे। ठेकेदार का नाम मालूम नहीं है। मालूम नहीं।